आज भगवान के मंगल में चर्चा को चलते हुए तीसरा दिवस है श्रोता, भगवान के मंगल में चर्चा को चलते हुए तीसरा दिवस ही। इधर में व्यास नंदन श्री सुखदेव महाराज 88,000 संत महात्माओं को लेकर कथा सुना रहे हैं। महाराज परिचित मैया नेवलदे साथ में गंगा की रबड़ रेती में कथा को सुन रही है। परिचित महाराज से जवाब दिया है सुखदेव महाराज ने कि हे राजन, आज भगवान की कथा का तीसरा दिवस है और आज मैं तुम्हें वो धार्मिक कथा सुनाएंगी। महाराज हेड़ा कश्यप भक्त प्रहलाद किस तरीका से भगवान के भक्त हुए हैं। महाराज प्रहलाद, अगर प्रहलाद जैसी आप लोगों में भक्ति आ जाए तो शायद ना ये कोरोना आए और ना ही तो इतना अत्याचार हो। इधर में व्यास नंदन श्री सुखदेव महाराज राजा परीक्षित से बोले कि हे राजन, धीरे धीरे समय बीतता गया। हेला कश्यप का भैया भटहिराज भगवान के हाथों से प्राणांत हुआ है। इधर में हेला कश्यप को जब ये बात का संदेश मिला है कि मेरे भैया भटहिराज को भगवान ने अपने हाथों से खुद वध कर दिया। लेकिन श्रोताओं, अगर किसी का भैया मारा जाए तो भाई का भाई बर्दाश्त नहीं कर सकता है, उसकी आंखों में केवल बदले की ही आग दिखेगी। हेला कश्यप ने विचार किया है कि मेरे भैया को तो भगवान ने अपने हाथों से वध कर दिया, लेकिन मैं इस तरीका से शांत नहीं बैठूंगा। परीक्षित महाराज जवाब दिया है कि मैं इस तरीका से शांत नहीं बैठूंगा। हेला कश्यप बोले हैं कि जब तक मैं भगवान से बदला नहीं ले लेता तब तक मैं शांति से बैठने वाला नहीं हूं। विचार करने लगा है कि मैं कैसे बदला लूं। श्रोता विचार करने लगा हेला कश्यप कि मैं किस प्रकार से बदला लूं और क्या उपाय करूं जिससे मैं बहुत बड़ा योद्धा हो जाऊं, बलवान हो जाऊं और जिस प्रकार से मैं भगवान से बदला ले सकूं अपने भैया का। लेकिन भटहिराज को भगवान ने क्यों मारा था ये बताएंगे। इधर में जब हेला कश्यप के दिमाग में जब बात गूंजने लगी है कि मैं ऐसे शांत से बैठने वाला नहीं, और इधर में हेला कश्यप ने क्या किया है, सोच समझ करके अपने महलों को त्याग करके तपस्या करने के लिए चला है। इधर में श्रोता जो ही हेला कश्यप चले हैं, चलते चलते जा करके घने जंगलों में पहुंचे हैं, जहां पे कोई शोर कोई आवाज नहीं, सुंदर से गहन बैठे हैं श्रोता। हेला कश्यप ने विचार किया, इससे सुंदर मुझे जगह कहीं नहीं मिल सकती है, यहां मुझे कोई परेशान करने वाला नहीं है और मैं यहां से तपस्या करके मैं भगवान भोले बाबा को खुश करके मन चाहा वरदान प्राप्त कर सकता हूं। ये सोच करके हेला कश्यप ने क्या किया कि ये विचार तप की लिए बैठा योग रमा, अरे घोर तपोगी ताप से तन को दिया तप। अरे
भोजन तक की बात क्या किया पवन तक रोत और उसके मारे चरी चरी काप उठे त्रियलो इधर में श्रोताओं हेला का सब जब चला ही विचार करके तपस्या के लिए बैठ गया जो ही